में रहता है वो। प्लीज़ आप लोग अंदर आइए, प्लीज़ अंदर आइए। हाँ हाँ जी, अनुमति इजाजत, शुरू किया जाए। यस नहीं, आप लोग जब तक अनुमति नहीं देंगे। गिरीश एनोनी के लिए, कम ऑन। काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए, पर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। क्या बात है गिरीश एंड अवनीत के लिए, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सुपर, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। हे, हियर वी गो। नहीं नहीं तो हाय गाइस, गिरीश क्या परफॉर्मेंस दिया यार, कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। वेरी गुड यार, नवनीत के साथ तो मतलब कमाल छा रहे थे। मतलब अभी पिक्चर की है तो ऐसा बनता ना यार। तुम लोग यार कैसे मतलब ऐसा किसेस करते हो यार, क्या मतलब यार, ना कमाल, वेरी गुड। बड़ा यार आप नहीं करते हो? नहीं ब्रो, ऐसा नहीं कर पाता हूँ नवनीत जैसे हीरोइन के साथ। यार इतने दिन कहाँ थे यार, अब दो साल
कितना वेट किया लोगों ने, कहाँ थे? इधर ही था. क्या तो आई मीन एक अच्छी फिल्म करनी थी और विजय जी वाज गुड. हेलो. लेकिन ये लुक में क्या डिफरेंस है? बहुत वो अलग था, ये पूरा लुक अलग हो गया, क्यों, क्या किया आपने? अरे लोग कहते हैं कि आप कैरेक्टर कैरेक्टर करो, पहली पिक्चर में कैरेक्टर किया तो वो बोला अभी ये कैरेक्टर है. तो ओरिजिनल लुक क्या है अपना? यही है यार, बस जो है सो है, हम सब लव सुधा. क्या बात है, बहुत खूब. अधिकतर ग्रीश ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री में एक्टर्स आते हैं वो कुछ लेके आते दिमाग में, मुझे ये करना है वो करना. तो क्या लगता है 10 साल के बाद, क्या लगता है 10 साल के बाद क्या क्या होगा आपके पास, कितनी फिल्में होंगी, कितने अवार्ड्स होंगे? उम्मीद करता हूँ इफ गॉड्स विलिंग कि बहुत कुछ होगा, बहुत सारी फिल्में होंगी, सुपर हिट फिल्में होंगी, वैभव के साथ 3-4 पिक्चरें होंगी, विजय जी के साथ 5-6 पिक्चरें होंगी. पक्का पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट है. प्रोड्यूसर का बेटा होना क्या करूं, है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को शामिल कर लिया, बोला अगली फिल्म कुछ हो ना हो ये तो होगी ही. यार नवनीत के साथ काम करना अपने आप में पहली बार काम कर रही थी, उसके पहले श्रुति ने काम किया था, श्रुति ने, तो वो तो कमाल की मजबूत कलाकार है. क्या डिफरेंस लगता है? जी डिफरेंस बस यही है कि नहीं है, मुझे लगता है कि नवनीत भी बहुत मेहनती है, श्रुति भी बहुत मेहनती थी, बट आई थिंक सी दिस स्टोरी विच वैभव स्क्रिप्टेड रिक्वायर्ड वेरी फ्रेश फेसेस एंड आई थिंक नवनीत रियली फिट द बिल. क्या बात है, तो नवनीत को बुलाया जाए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. नवनीत कम ऑन. बहुत तारीफ हो रही है नवनीत की, और लुक, प्रोमो, ट्रेलर, गाने, वाह, सुपर, जोरदार तालियां. कम ऑन, आइए माइक्रोफोन लीजिए. हेलो एवरीवन. नवनीत ऐसे देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं और हम भी ज्यादा जानते नहीं हैं आपको, तो अपने बारे में खुद ही बता दीजिए इन लोगों को. मेरा नाम तो जानते हैं आप, नवनीत. मेरी पहली पिक्चर लवशुदा आ रही है, एंड इससे पहले मैंने मिस इंडिया 2013 विनर रह चुकी हूँ, एंड मैं उसी के कारण आज यहाँ पे हूँ. थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड थैंक्स टू मिस्टर विनी जैन हु इज़ द एमडी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. एंड मिस इंडिया नहीं होता तो आज लवशुदा में मैं नहीं होती. मुझे तो नहीं लगता यार, एक्ट्रेस कमाल है यार. थैंक यू. एक्ट्रेस कमाल है, वैभव तो ढूंढ के ले ही आता कहीं ना कहीं से, है ना? Yes, of course. क्या बोलता है यार, ये जरूरी तो नहीं मिस इंडिया होना यार हर एक्ट्रेस को यार. नहीं. दम तो है. नवनीत को तो ढूंढ लेता. थैंक यू डाटा वैभव ने डाटा कभी शूट में? हाँ, कभी 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 नहीं 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 डाटा नहीं नहीं अगली फिल्म में काम करना. नहीं डाटा, बिल्कुल नहीं डाटा, अगली फिल्म में काम करना. और गिरीश कैसे थे आपके साथ? बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एंड गिरीश बहुत सीरियसली काम कर रहे थे, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया. सीरियसली के साथ मजा आया? हाँ सीरियसली, तो फन बोलना चाहिए था तो मजा आया होगा. कुछ सीखने को मिला ना. पर मैंने सुना कि सबसे सीनियर जो था गिरीश था सेट पे. सबसे सीनियर तो वही था. मैंने बहुत रैगिंग की सबकी. हाँ, बहुत रैगिंग की. वैभव को भी बहुत, वैभव की बहुत रैगिंग की मैंने. क्यों ऐसा करते हो यार? इट्स लाइक एक फिल्म करने के बाद सीनियर, वेरी गुड. प्लीज सिट. आपने एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए नवनीत के लिए, पहली फिल्म कर रही हैं, एंड एक्टिंग बहुत अलग गेम होता है ना, और रैंप पे चलना, खूबसूरती दिखाने का अलग. बट सर, कॉमन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू ऑल, एंड आई नीड एन ऑनेस्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. हाउ मेनी वन नाइट स्टैंड्स डू यू हैड टिल लेट? अच्छा, आज बता दे गिरीश, आज बता दे, जोरदार तालियों जी. क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है गिरीश बेटा, अब तू गए हो, अब बोल. फर्स्टली एक्चुअली आई फॉरगॉट इट, बट एवरीबॉडी थैंक यू फॉर बीइंग हियर. It's very very nice of you guys to come and support us and support our film. Everybody, the press, the media. I forgot to say that. And coming back to your question. ये ऐसी बातें बोलने वाली नहीं होती है, बस समझने वाली होती है. But still, people are so eager to know that. Eager? You are eager, yaar. Everyone is eager. Come on. It's okay. Yaar, it's okay. मेरी माँ भी बैठी है. राज को राज रहने दो. छोड़ो यार. हम थोड़े शरीफ लोग हैं. लवशुदा हो जाते हैं, फिर कुछ हो तो अलग बात है. शरीफ वन नाइट स्टैंड वाले नहीं है. थैंक यू. या गिरीश, आई लाइक टू आस्क यू दैट, आप इस फिल्म में आपका एकदम नया लुक है, तो उस लुक के लिए आपने कितनी मेहनत की है, और आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे उस लुक के लिए? सी, मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम हर फिल्म में टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर होता है, कि यार अगर आपके पास अगर ऐसी फिल्म मिले तो आप ना एक कैरेक्टर के रंग में रंग जाओ, अगर वैसी कैरेक्टर में तो अकॉर्डिंग टू दैट. और उसमें मुझे लगता है कि फर्स्टली आई थिंक एक तो वैभव ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जहाँ पे कैरेक्टर के लिए बहुत डेप्थ था, तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट केम फ्रॉम द स्क्रिप्ट. देन शामली वाज डन द स्टाइलिंग फॉर मी.
that also she's also a very big contributor to that and bus everything just worked out from the script really. Girish, मेरा सवाल आपसे slightly right. Congratulations to you. Thank you so much. मेरा सवाल आपसे है कि जो plot है जो कहानी है मूवी की कहीं ना कहीं ये जाके हमें हैंगओवर या बॉलीवुड की एक मूवी आई थी एक में और एक टू कहीं ना कहीं वो हमें इस बात की याद दिलाते मतलब एक बैचलर पार्टी वे ही वेर द गाय गॉट ड्रंक एंड ही एंड अप डूइंग समथिंग लाइक गेटिंग हिच सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस रिसेम्ब्लेंस हां आपकी शादी हुई है नो आप किसी बैचलर पार्टी पे गए हो नो यार तो आप यार कैसे रॉन्ग क्वेश्चन पूछा आपने यार कितने लोग बैचलर पार्टी करते हैं दारू पीते हैं सुबह को उठते हैं उनको यार हैंगओवर होता है तो उसका मतलब थोड़ा ना कि यार वो पिक्चर कॉपी है हमारी It's a very real thing. I think if you really, that's just a layer. It's not the film. And to just generalize it like that is not really fair. But when people get to see the film, they'll realize that, okay, yaar, ye picture mein aur bhi hai. That just might be one layer of it. But as an onion, there's many layers to this film. मेरा एक और सवाल है आपसे कि ड्यूरिंग द सॉन्ग हमने रिसेंटली पढ़ा था पीने की तमन्ना यू लॉस्ट योर वॉइस तो इसके अलावा कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कोई फनी इंसिडेंट कोई क्रेज इंसिडेंट हुआ था इस मूवी के दौरान I mean, after losing his voice, we had to shoot a three-page monologue with him, and that was nightmare. I mean, ekdam flat voice mein dialogue bola isne, teen page ka. So that was interesting. Yeah, it was. Mera tension to ye tha, agar chalo main udhar kar bhi do, to main sing kaise karunga? Kyunki awaaz hi nahi hai, to sing bhi kaise karunga? But I think there was some almighty magic or some force that was with me, and my voice was just enough to do that scene. Barely audible, but yeah, just enough. Girish, Ramaya Avastha was a musical blockbuster. Do you expect the same with this? I'm sorry? Ramaya Avastha was a musical blockbuster. Do you expect the same with this also? Musical blockbuster? Yeah. I hope so. We've really... Inshallah, yes. Parichay, Mithun and Sayyed Qadi and Kumar, who's not here, they worked really hard with music. And I think I owe it all to them for the music. They're masters, really. But no one asked you a question. Jeene ki tamanna hai suna hai. Peene ki tamanna is like something all different. ठीक है ना अच्छी बात है ना आप पीते हो मैं भी पीता हूँ यार सब पिए यार मस्त खाए पिए एंजॉय करें गिरीश अगर ये फिल्म इस राइट साइड अगर ये फिल्म न बनी तो आप ये जॉब दे सकते हैं अगर ये फिल्म वैलेंटाइन डे के नज़दीक रिलीज होती तो ज़्यादा मज़ा आता था क्या लगता है आपको इंस्टेड ऑफ 5 फरवरी 12 फरवरी को होता तो 5 फरवरी भी दूर नहीं है यार 2 हफ्ते देख लेंगे लोग और क्या टाइम ज़्यादा मिल गया सर देखो प्यार का सीजन नहीं होता है प्यार हर साल रहता है हर टाइम रहता है दिल से करो बस या नवनीत या आई लाइक टू आस्क यू दैट ब्यूटी के साथ साथ टैलेंट कितना मतलब जरूरी होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में सर टैलेंट जरूरी है बिकॉज एक्टिंग एक टोटली अलग फील्ड है एज कम्पेयर टू ब्यूटी पेजेंट्स और रैंप वॉक सो टैलेंट जरूरी है मुझे लगता है मैं तो बॉर्न एक्ट्रेस थी विथ सो हाँ मेरे पापा यहाँ पे है तो उनको ज़्यादा पता होगा कि मैं कितनी बॉर्न एक्ट्रेस थी बट या देयर टू डिफरेंट लाइंस थैंक यू हाय रितेश ईटीवी से मेरा सवाल वैभव और मिथुन सर से मिथुन सर क्या ब्रीफ आपने मिथुन सर को दिया था कि किस तरह का म्यूजिक बनाना है और आपने क्या ब्रीफ उनसे लिया था मैंने तो उनको बस कहानी का एक हिस्सा बताया था और मैंने बोला था कि ये पार्टिंग सॉन्ग है और फिर इन्हें ही मतलब ही मैजिशियन ही जस्ट क्रिएटेड दिस थिंग एंड इट वाज ब्यूटीफुल इट वाज जैसे उन्होंने मुझे मेल के पे पूरा ब्रीफ दिया था आई थिंक वैभव बहुत मेटिकुलसली काम करते हैं हर चीज बहुत तरीके से आया और मुझे यही जैसे सईद कादरी साहब ने बताया कि मोहब्बत में हमेशा वो इनसिक्योरिटी से हम सब उसके शिकार होते हैं कि कब पता नहीं लोग बार बार टच फुट करते हैं इसी बात से कि वो जो खुशी है वो जो सेलिब्रेशन है वो खत्म ना हो जाए इसलिए काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर ना तो आए घर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए मैं तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट और होप करता हूं कि सबको पसंद आए और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है क्लाइमैक्स और जी मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा है पसंद आना चाहिए लोगों को मुझे लगता है आएगा हेलो या हाय गिरीश थैंक यू हाय गिरीश टू योर लेफ्ट हियर यस यस या आई एम जस्टिन राव यू नो द थीम ऑफ द फिल्म लुक्स अ लिटिल बोल्ड एंड रादर अनकन्वेंशनल फॉर द इंडियन ऑडियंस सो
Are you guys anticipating any trouble with the censor board because taking in the consideration that they are a little scissor hungry? So what are your plans regarding that? See, firstly, bold. When you say bold, you're telling me when you go on Bandra Reclamation, you don't see couples sitting and doing ticketing, ticketing. So, matlab, bold, this is very true life. Yeah. If you have a girlfriend, yeah. You do case, you do things. So we are trying to just be as real as possible. And mujhe lagta hai ki humne aisa to kuch film mein kiya nahi hai jo censor object karegi. We have just really just done justice to the film and the script that we had at hand. Vijay ji, mera sawal aapse hai. Aapne is film ko produce kiya hai, to kitna relevant mante hai isko aaj ke daur se jo bhi aaj chal raha hai? Kyunki aapne paisa lagaya to usi hisab se lagaya hoga. Haan, jaise maine pehle bataya tha ki mujhe ek youthful young film banani thi. अकॉर्डिंगली मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया वैभव मिश्रा साहब के साथ, तो वो यूथफुल यंग फिल्म की सब्जेक्ट सुनाया उन्होंने और फिर उसके लिए करेक्ट यंग आर्टिस्ट चाहिए थे. सो वैभव और मैं डिसाइड कर रहे थे कि किसको लें और अकॉर्डिंगली फिर रमेश दौरानी और कुमार दौरानी साहब से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है. अकॉर्डिंगली मैंने उनको अप्रोच किया और गिरीश को सब्जेक्ट सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा, गिरीश को साइन किया. देन वी वर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल, देन थ्रू एजेंसी वी मेट नवनीत एंड वी मेट कपल ऑफ देम, बट देन वी जीरोड ऑन नवनीत. और आजकल ज़माना ऐसी फिल्मों का है, यंग यूथ फिल्में चल रही हैं एंड मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि रिकवरी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा 10 टाइम्स ज्यादा आ जाए. बस वही मॉरल ऑफ द स्टोरी है भैया, जितना पैसे लगे उससे 10 गुना पैसे आ जाए, दूसरी फिल्म और बनाए, खत्म करो. मेरा सवाल वैभव से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन आपके सामने. जी इस फिल्म से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इट्स वर्थ इट, ये हमारी एक लाइन है. तो मतलब हिम्मत चाहिए लाइफ जीने के लिए, और अगर आप हिम्मत है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. आई थिंक ये एक मैसेज है जो हम इस पिक्चर से देना चाहते हैं. थैंक यू गाइस. कोई और क्वेश्चन पूछना? एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज. मैं जानता हूँ. अच्छा, हाँ जी. किसी लव स्टोरी फिल्म को हिट कराने में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आपने म्यूजिक के लिए किस तरीके से क्या तैयार की? हेलो. म्यूज़िक स्क्रिप्ट में जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी मैंने एक सिचुएशंस में हम लोग ने गाने बनाए थे कि वो गाने आने चाहिए, बिकॉज गाने आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉट ओनली लव स्टोरी, एनी स्टोरी स्पेशली इन आर फिल्म्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने मतलब आई हैड स्क्रिप्टेड सॉन्ग्स विच वर मतलब 5 सॉन्ग्स एंड देन ऑब्वियसली विजय जी के साथ बैठ के हम लोग ने फिर जब शुरू किया देन वी मेट मिथुन साहब एंड परिचय एंड देन फ्रॉम देयर इट जस्ट स्टार्टेड happening and we knew that we needed soulful songs, we needed party songs because the type of film that we are making and wahi ek aim tha aur kuch nahi. Aise log bag pop ki heroine ko item song ke liye lete hain apni picture hit karane ke liye, to aapne aisa kuch nahi kiya? Bhai wo khud hi jo heroine hai wo khud hi item hai yaar. Ha matlab unko laga ki item ko kya zarurat hai, kamal kar raha hai. Ha hamare paas we are quite happy with क्या जब हीरोइन कमजोर होती है ना तो फिर आइटम नंबर डालना पड़ता है. क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो यार? एंड मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा एरिक को, प्लीज कम ऑन द स्टेज फोटो के लिए. एंड साथ ही साथ में डीओपी साहब को बुलाना चाहूंगा और फिल्म से जुड़े लोग जितने भी हैं प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं. ब्रितेश मनोज यादव साहब प्लीज, आप जितने भी फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं प्लीज आप स्टेज पर फोटो के लिए. हाँ, कम देवयानी, किरण, वीर ऑल एक्टर्स ऑन उत्सव, एडिटर श्यामली, कॉस्ट्यूम्स, अनफॉर्चुनेट वेल रेस्ट ऑफ द क्रू इज स्टिल पार्टिंग आई थिंक बिकॉज दे हाफ ऑफ देम आर आउट, दे नॉट हियर. सो दिस इज इट. सो वी स्टैंड अप फॉर फोटोग्राफ. यस थैंक यू.
थोड़ा और पीछे सब लोग पीछे थैंक यू सिर्फ डायरेक्टर एंड एक्टर्स प्लीज गिरीश नवनीत रुकी है डायरेक्टर प्लीज रुकी है only actors be there please solo first yes solo अरे साथ में ओके बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू 5 फरवरी